उत्तराखंड में नए साल में समान नागरिक संहिता कानून लागू हो सकता है। 22 जनवरी के बाद प्रदेश सरकार कभी भी विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश सिंह धामी ने एक बार फिर जल्द यूसीसी लागू करने के संकेत दिए हैं। माना जा रहा है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के उद्घाटन 22 जनवरी के बाद मुख्यमंत्री धामी यूसीसी लागू करने की कवायद शुरू कर देंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के राज्य में सफल संचालन के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक ली। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए इस अभियान को मिशन मोड में लें। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अभियान को सफल बनाने के लिए जनपद स्तर पर एक एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं और उनसे प्रतिदिन की रिपोर्ट ली जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर रात को देहरादून ISBT समेत शहर के अन्य इलाकों का औचक निरीक्षण किया और सड़क किनारे मौजूद जरूरतमंदों को कंबल बांटे। मुख्यमंत्री धामी ने ISBT में मौजूद तमाम यात्रियों से बातचीत भी की। उन्होंने निरीक्षण के दौरान साफ सफाई से लेकर बाकी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके अलावा ISBT परिसर में मौजूद चाय की दुकान पर सीएम धामी ने चाय की चुस्कियां भी ली और दुकानदार से बातचीत की। डीडी हाट में अल्ट्रासाउंड और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर आंदोलनकारियों का मंगलवार को धरना 119वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि डीडी हाट के लोग काफी लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या से जूझ रहे हैं। इससे क्षेत्रवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गर्भवती महिलाओं और अन्य पीड़ितों को अल्ट्रासाउंड के लिए पिथौरागढ़ जिला चिकित्सालय की दौड़ लगानी पड़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिल्म अभिनेता अनुपम खेर से मुलाकात की। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के बाद हुई इस मुलाकात में अनुपम खेर ने सीएम धामी से उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग से जुड़ी कई बातों पर चर्चा की। उन्होंने उत्तराखंड में फिल्म बनाने से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री से लंबी चर्चा करते हुए कहा कि उन्हें उत्तराखंड पहले से ही बहुत पसंद है, क्योंकि वो खुद हिमाचल से है, इसलिए उन्हें ये भी अपना घर जैसा ही लगता है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मंगलवार को भूमियाधार में बाबा नीम करोली द्वारा स्थापित मंदिर में पूजा पाठ कर बाबा की कुटिया में ध्यान किया। उन्होंने ग्रामीणों से मंदिर की जानकारी और मान्यताओं के बारे में जाना। उन्होंने कहा कि भूमियाधार गांव को धार्मिक और पर्यटन के साथ जोड़ा जाएगा। साथ ही कहा कि भूमियाधार स्थित बाबा के धाम को प्रचार प्रसार करने के लिए जगह जगह साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। तो ये थे आज के फटाफट न्यूज। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।